Good morning, students. How are you? Fine. Very good. Okay, students, as you know, we are doing quick revision of half yearly exams. Okay, today we'll do lesson number 12 and lesson number 13 revision. Okay, let's start. Lesson number 12, use of and. Ma'am ne aapko पहले भी कई टाइम ये करा चुकी हैं कि एंड का यूज़ हम कहाँ करते हैं, कैसे करते हैं. यू नो वेरी वेल एंड को हिंदी में क्या बोलते हैं, और. ओके, और कोई भी टू थिंग्स होती हैं, टू वर्ड्स होते हैं, टू सेंटेंसेस होते हैं, उनको जॉइन करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, एंड का. ओके, सी, फिल इन द ब्लैंक्स Using and. हमको इन blanks को fill करना है. We have to fill these blanks using and. First see this picture. अगर picture भी नहीं आती है then you have to do and join or connect, join the words. Okay? कोई ज़रूरी नहीं है मैम एग्जाम में आपको pictures देंगी. Without picture you can do ना. Okay. See. This is a picture of जिराफ. ओके, एंड दिस इज रैबिट. ओके, जिराफ है, रैबिट है. जिराफ टॉल है एंड रैबिट क्या है, शॉर्ट है. देन टू जॉइन देम व्हाट वी हैव टू राइट हियर, टॉल जिराफ एंड शॉर्ट रैबिट, देन ए एन डी एंड वी विल यूज. ओके, नाउ here are two birds, one is flying high and one is low. Then to join them, high, A and D, and high and low. This is black color and this star is of white color. To join them, black and white, A and D, and we will use to join them black and white. Now फ्रूट्स वेजिटेबल्स. अभी हमें बताना है फ्रूट्स है और वेजिटेबल्स है. देन ए एंड डी एंड फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स. दिस इज स्वीट एंड दिस इज सॉर. इसका टेस्ट क्या होता है, स्वीट होता है एंड इसका सॉर होता है. देन टू जॉइन देम ए एंड डी एंड वी विल यूज सेम एज बर्ड एंड केक, डॉग एंड पप, ब्रदर एंड सिस्टर, फैट एंड थिन, कैट एंड डॉग. वी हैव टू यूज एंड हियर. ओके, नाउ कम टू नेक्स्ट लेसन. यूज ऑफ इन, ऑन एंड अंडर. लेसन नंबर 13. हमको यूज क्या करना है यहाँ पर, इन ऑन एंड अंडर का. एज यू नो इन ऑन एंड अंडर को प्रिपोजिशंस बोलते हैं. मैम ने आपको ये पहले ही रीड करा दिया है. जब भी कोई चीज़ किसी के अंदर होती है, जैसे डक है, वाटर में है, पॉन्ड में है, सॉरी पॉन्ड है ये, तो यहाँ पर हम बोलेंगे इन अ पॉन्ड. ओके, ग्लास में क्या है, स्पून है, तो ग्लास के अंदर है तो इन का यूज़ करते हैं. ओके, अभी यहाँ देखिए, सी हियर, जो पिलो है वो बेड के ऊपर है, ऊपर के लिए ऑन का यूज़ करते हैं. एंड सेम एज जो बॉल है वो चेयर के नीचे है, तो हमें बॉल की प्लेस बतानी है. देन व्हाट वी विल से, विल से दैट अ बॉल अंडर अ चेयर, जो नीचे होता है उसको अंडर बोलते हैं. लेट्स स्टार्ट अवर एक्सरसाइज ऑफ दिस लेसन. फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग इन, ऑन एंड अंडर. अ फिश ब्लैंक द वाटर. फिश कहाँ है, वाटर के अंदर है. फॉर अंदर, अंदर के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, आई एन इन. अ फिश इन द वाटर. और बॉक्स कहाँ है, कार के ऊपर है, ऊपर के लिए हम यूज़ करते हैं ओ एन ओन का. एंड हियर अ डॉग इज अंडर अ ट्री. जो ट्री है इसके नीचे है, नीचे के लिए अंडर का यूज़ करेंगे. तो ये थ्री प्रिपोजिशंस आपको यहीं पर फर्स्ट लाइन में देखने को मिल गई. फिश जो है अंदर है तो इन, ऊपर है ऑन, और नीचे है अंडर. सेम एज
जो पेन है वो कहाँ है, बुक के ऊपर है, ऊपर को ऑन, अ पेन ऑन अ बुक। अ मैंगो, मैंगो है जो बास्केट के अंदर है, अ मैंगो इन अ बास्केट, ऊपर नहीं है ये, कहाँ है, अंदर है, अंदर रखा है ना ये। नाउ हियर जो ट्री है, सॉरी हॉर्स है, वेयर इज हॉर्स, हॉर्स इज अंडर द ट्री, ट्री के नीचे है। इंक पॉट कहाँ है, वेयर इज इंक पॉट, यस टेबल के ऊपर है, ऊपर के लिए ओ एन ओन। अ पेंटिंग ब्लैंक अ वॉल, पेंटिंग कहाँ है, वो भी वॉल के ऊपर है, देन ऑन अ वॉल। और जो बेबी है वो कहाँ है, ब्लैंक का फैन, फैन के नीचे है, ऊपर है, नीचे है ना, तो हम बोलेंगे अ बेबी अंडर अ फैन। ओके बहुत इजी है ना ये। ओके स्टूडेंट्स, ये मैम ने आज आपको टू लेसन्स का रिवीजन कराया है, रीड दीज लेसन्स अगेन एंड अगेन। ओके ओके स्टूडेंट्स, डू प्रैक्टिस एट योर होम, टेक केयर, बाय।